शुरुआत उसी से करते हैं जिसके लिए हमने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, यानी कि हमारी जनता से। हमारी जनता से हम सवाल करेंगे और उन्हीं से जानेंगे कि क्या राजगढ़ का विकास उस दिशा में हुआ है जिसके बारे में आपने सोचा था, या जो दिशा आप लोगों को दिखाई गई थी, जो सपने दिखाए गए थे, क्या वो पूरे हुए हैं? अभी तो राजगढ़ में कोई विकास हुआ नहीं है, सब खोखले हैं यहाँ के विकास, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। क्योंकि यहाँ की पंचायतों में जाके देखें आप, इतनी खतरनाक स्थिति है, दर्दनाक स्थिति है कि लोग जब स्कूल जाते हैं तो कीचड़ मिलता है उन्हें स्कूल में जाने के रास्ते में। इतनी खतरनाक व्यवस्था है यहाँ की अभी तो। बिल्कुल, आपसे भी जानेंगे क्या जो आप लोगों को सपने दिखाए गए थे वो पूरे हुए हैं या नहीं? अभी तक कोई पूरा नहीं हुआ, इतनी दिक्कत आती है बहुत, जो भी घोषणा करते अभी तक कई काम भी पूरा नहीं हुआ, आज तक भी पूरा राजगढ़ में ये समस्या है सबसे ज्यादा। क्या परेशानियां आती है यहाँ पर, अगर हम राजगढ़ जिले की बात करें तो क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनके कारण आप लोग परेशान? मैडम परेशानी तो काफ़ी है, अगर बीजेपी सरकार सभी को 1,000 पेंशन दे सकती है तो विकलांग विधवा बुजुर्ग लोगों को पेंशन क्यों नहीं बढ़ा रही है? सबसे बड़ी बात है कि आज विकलांग घर को पर बोझ है, इनके पेंशन बढ़ानी चाहिए, इनको 600 रुपये मिलती, 600 तो कुछ होता नहीं है। बिल्कुल, आपसे जानेंगे क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसके कारण आम जनता जो है वो परेशान है, क्या यहाँ पे शिक्षा की सही सुविधा मिल रही है? शिक्षा की सही से सुविधा नहीं राजगढ़ के अंदर, और कोई भी नेतागण जो छोटे स्तर के लोग होते हैं उनके लिए कोई ध्यान नहीं देते हैं।